राधा ए राधा ए राधा राधा ए राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा ए राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा ए राधा ए राधा ए राधा ए राधा राधा तो पहले दिन यही आए, जब भगवान गाय चरण को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने वत्सासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। वत्सासुर जो है गाय का बछड़ा बनके भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दू तू हत्या ना कर। भगवान को तब मैं क्या करूं कि तू जो सभी तीर्थ का स्नान कर। सामने कुआ है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसे विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धरके भगवान को स्नान कराया तो इस कुएं में सभी तीर्थ का जल है। जब भी सम्मति अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंड हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वे स्नान करे, मंत्र मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। ज्यादातर भक्तों को पता नहीं है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम ही प्रेम का थे। पता क्यों नहीं है कि भक्त जो भागवत सुनते हैं, भागवत तो इस बात का कोई लेख नहीं आया। एक लेख आया छोटा सा तो उसको कोई आचार्य बता के नहीं देता। भागवत में क्या है, जिस टाइम पे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे अपने पुरोहित गर्गाचार्य से। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ। राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा ऋषिक बिहारी, राधा राज बिहारी, राधा भांडिर बिहारी, राधा नौरंगी लाल, राधा श्यामचंदर, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, इस तरीके से। तो नंदबाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द झूठ रहे हो। गर्गाचार्य बोले भैया ये आदि शक्ति है, ब्रह्मवान की बेटी या का नाम राधा है क्या? ब्रह्मवान की बेटी है क्या? हाँ। तो गुरुदेव एक बताओ, ब्रह्मवान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो। अभी तो मेरा लाला 16 तरह को वह है, जाओ 18-19 वर्ष को जाओ जब भी तो विवाह करूंगो। कहीं ऐसा हो वो अपनी बात आते मुकर जा। घर का चार बोले भैया तेरे बेटा विवाह राधा के समय हो और भांटी बन हो बाप विवाह में न तू होगा न ब्रह्मान हो जो तो देवतन के मध्य में होगा। नंदबाबा बड़े खुश हुए। भगवान कृष्ण हो 2.5 वर्ष के, फागुन का महीना था, शुक्ल पक्षी की दिवस थी, उसे बोलते फलहरा दिवस। नंद बाबा गाय चरा रहे थे, भगवान कृष्ण उनकी गोदी में लगे हुए थे। तभी दोपहर को एक आंधी तूफान आया, वर्षा हेवे लगी। नंद बाबा बोले कि बहुत जोर की वर्षा है रही है, ओले पड़ सकते हैं, बगर तो बादल आगा बरसात का टाइम होता तो अपना कम्बल वगैरह लेके जाती। छाता थी उस टाइम पर कम्बल थी, कम्बल ले जाते थे। अब लाला को लेके कहाँ जाऊंगो, अगर वर्षा नहीं रुकी तो लाला रात में ले जाए कहाँ रुको। यही सोच रहे थे कि उनके सामने राधे जी प्रकट हुई। राधे जी प्रकट हुई किशोरी के रूप में। नंदबाबा बोले आओ किशोरी जी, मैंने आपको पहचान लियो है, आपकी धरोहर मेरे पास है, यहाँ ले जाओ और अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास पहुँचा दियो। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के यहाँ आई। यहाँ आते ही भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। एक चीज बताऊं, व्यास जी सत्यवती के हुए थे तो सत्यवती यह लड़की जो बैठी इसके परिवार की थी, जो व्यास जी की माँ थी, ये बैठी है ना इसके परिवार की थी। लेकिन यह भी उस बात को गुप्त कर गए और पता भी नहीं है किसी को।
क्यों कि माटुंगा मला थी निशा, उनके माट में माट से कुलजीता बसी हुई थी, वहां झोंपड़ी थी रहते थे वहां, और निषाद राज थे मलाओं के राजा। तो वो जो है पराशमुनि जा रहे थे यमुना को पार करने को, तो जब ही रोटी लेकर के आई थी ज्योतिष गंधा, उसका नाम था मत्स्य गंधा, कि मछली पेट से पैदा हुई थी मत्स्य गंधा, उससे बोले पराशमुनि भाई मुझे पार कर। माटुंगा बोले कब गया तुम्हारा, अभी मैंने रोटी खाए को लगा लगाया, अगर अन्न का अपराध कर मैं छोड़ू तो अन्न नाराज होगा, आप थोड़ी देर बैठ जाओ। बोले कि मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो सत्यवती मत्स्य गंधा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु मैं आपको पार करूंगी। तो वो नाव को लेकर के गई, तब व्यास जी की उत्पत्ति हुई उसी टाइम में, और कोयरा भी तभी से बना, और जल में जो काई हुई है तभी से काई पैदा हुई। फिर वो सत्यवती का नाम हो गया योजन गंधा, उसके बाद हो गया सत्यवती, जो विष्णु पितामह की माँ थी, तो उसके परिवार की यह लड़की है। मेरे हजारों शिष्य बैठेंगे कम से कम, लेकिन मेरा विशेष प्रेम 10 शिष्यों से, ये तो ये बैठी है, और 8-10 और हैं। मैं हरेक को अपने पास बुलाता नहीं, इसके भाई भी है मेरा शिष्य, पूरा परिवार है, इसकी भाभी है, लेकिन यह इतना वो करती है सम्मान कि आती है यहाँ साल में 2-3 बार, तो मेरे मिले बगैर जाती नहीं है। अभी मैंने इसको फोन करके बुलाया, कल फोन किया था तब आई आज। तो भगवान कृष्ण को लेकर के राधे जी यहाँ आई, यहाँ आती भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए, तभी भगवान की लीला के यहाँ पे मंडप प्रकट भयो, जहाँ हजार खम्भा लगे भय रत्नमणि के सुशोभित है, बीच में सिंहासन बने भय हुए, सिंहासन पर चढ़े के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है, राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाना। तभी ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी राधा कृष्ण से पूजा कराने का लगा लगा दिया। ब्रह्मा जी की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आ गए, मंडप को चारों तरफ से घेर रहे हो, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जिस टाइम पर ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे, तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया, उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे हिंदू रीति में आदिकाल से प्रथा है, जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते वहां से चोरी होती है, होती कहीं होती है किस चीज की, और चुराता कौन है? तो राधे जी की कोई बहन नहीं थी जो चोरी करती, और भगवान ने 11 वर्ष तक जूता नहीं पहने, जो जूता नहीं पहने जूता चोरी होती कैसे? राधे ने बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फिर कराए, लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की, जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरा, भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा, सिंदूर भरते ही मंडप जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं समा गया। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को चले गए, देवता देव लोक को चले गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी के मांग में सिंदूर भरते भाई, पूरे संसार में 1 ही मंदिर है जिससे विवाह के दर्शन होते हैं, और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते हैं, सभी जगह दर्शन करोगे वंशी बजाते करोगे आप वंशी नहीं है। तो यार राधा रानी के कन्यादान का दान होता है, कन्यादान राधा रानी के श्रृंगार और साड़ी ये बेच के जाते, भक्तों को पता नहीं बताते नहीं बेचारे, और या कोई बीच में बैठे थे भक्त आते नहीं, तो उसकी नौचा भर है जो कन्यादान साड़ी श्रृंगार दान।